हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स डेन। आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं वेज मंचूरियन। सबसे पहले हम बनाएंगे मंचूरियन बॉल। एक बोल में हमने लिए हैं बारीक कटे हुए गाजर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर। वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम वेजिटेबल्स को 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही रख छोड़ेंगे, ताकि नमक डालने से इसमें से इसका पानी निकल आए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है और उसमें से पानी भी निकल आया है। अब इसे हम बनाएंगे मंचूरियन बॉल। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1/8 कप कॉर्नफ्लावर। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सब्जियों में से जो पानी निकला है उसी से हम बनाएंगे बॉल। इस तरह से बन जाएगा। अब इसे गोले की शक्ल दे देंगे। वेजिटेबल का पोर्शन लेके इसे राउंड राउंड घुमाते हुए इसे एक बॉल बना लेंगे इस तरह से। अब हम मंचूरियन बॉल को गरम तेल में फ्राई करेंगे। एक एक करके मंचूरियन बॉल हम गरम तेल में डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम मंचूरियन बॉल की साइड चेंज करेंगे, ताकि इक्वली ये गोल्डन ब्राउन हो। बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहें। हमारे मंचूरियन बॉल फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी वेजिटेबल बॉल्स बने हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। हमने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल लिया है, उसमें हमने डाला है बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। अब हम अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से स्टेयर कर लेंगे। हमें बस 1 मिनट के लिए ही अदरक और लहसुन को फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, रफली चॉप अनियन हम डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी हमने रफली चॉप किया है। अब शिमला मिर्च और प्याज को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। शिमला मिर्च और प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे, क्योंकि सॉसेस में थोड़ा सा नमक होता है। लाल मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सॉसेस। पहले हम डालने हैं विनेगर, सोया सॉस। अच्छी तरह से इसे चला लें। अब इसमें हमने डाला है रेड चिली सॉस।
ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, और शेजवान सॉस। अब हम इन सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉसेस जैसे पकने लगी थी इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसमें हम डालेंगे पानी, मैंने यहाँ 400 ml पानी डाला है। एक बार अच्छे से चला लेंगे। पानी जैसे पकने लगे इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर मिक्स। कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट सा तैयार कर लें, वही पेस्ट इसमें हम डालेंगे। एक हाथ से चलाते रहें, दूसरे हाथ से कॉर्नफ्लावर पेस्ट डालें। अच्छी तरह से इसे चलाते रहें, वरना लम्स पड़ जाएंगे। देखिए हमारी मंचूरियन ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मंचूरियन बॉल जो हमने फ्राई करके रखे थे। ये हमने डाला मंचूरियन बॉल, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। अब हमारी वेज मंचूरियन ग्रेवी रेडी है, बिल्कुल भी रेस्टोरेंट स्टाइल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।